तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनामिक्स। बेसिक टर्म्स में ये दोनों पढ़ लिए थे, ये पढ़ रहे थे ना, तो ये भी हो गया था। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल एग्जांपल, अब ऐसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि ओपन सिस्टम है, जैसे हम लोग अभी लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं, है ना, तो हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब देखो किया है ना, और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। ठीक है, तो जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। हीट किए तो एनर्जी सप्लाई किए थे, टेस्ट ट्यूब में हम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ है, बर्नर के ऊपर हीट किए, उसको हीट एनर्जी मिला, तो एनर्जी का ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद ये टूटा, टूटने के बाद जो है टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सॉलिड रह गया कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो टेस्ट ट्यूब से निकल गया बाहर। ठीक है, वो रुकेगा नहीं ना, टेस्ट ट्यूब ओपन है, बंद नहीं किए हम, तो निकलेगा कि नहीं, निकल गया। तो ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया कि नहीं, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है ना हमारे पास, उसमें हम हीट कर दिए, तो ओपन सिस्टम हुआ कि नहीं, हीट एनर्जी चला गया टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को, और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो टेस्ट ट्यूब से बाहर आ गया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बचा हुआ रह गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ओपन सिस्टम। ये एग्जांपल क्या हो गया, ओपन सिस्टम का, क्योंकि एनर्जी का भी ट्रांजेक्शन हुआ और मैटर का भी ट्रांजेक्शन हुआ, मैटर का भी एक्सचेंज हो गया और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो गया, इसलिए ये जो हो गया ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब सेम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग कैल्सिनेशन करवाएंगे, याद है कैल्सिनेशन कहां पर है, कहां पर है, हाँ? मेटल में पड़े, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पड़े, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग पढ़ाए थे, हाँ, ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया था, उसके बाद रिडक्शन हुआ था, मेटलर्जी में पढ़ाए हुए मेटालिक एक्सट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन का मतलब भी हीटिंग ही होता है, कैल्सिनेशन का मतलब भी हीटिंग, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ क्या है, टेस्ट ट्यूब में हम गर्म किए तो एयर के प्रेजेंस में ना किए, टेस्ट ट्यूब तो खुला हुआ उसके अंदर एयर है कि नहीं, तो हम हीट किए, तो ये दोनों हुआ एयर के प्रेजेंस में ना किए हम, यही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग कैल्सिनेशन करवाएंगे, कैल्सिनेशन मतलब क्लोज कंटेनर, कंटेनर एकदम बंद रहेगा चारों तरफ से सील रहेगा, उसके अंदर हम इसको हीट करेंगे, समझ गया ना। तो कैल्सिनेशन का क्या मतलब होता है, कंटेनर के अंदर, ठीक है, कैल्सिनेशन कहां होता है, सील्ड कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में हम हीट कर रहे हैं, कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग द सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन अ सील्ड कंटेनर, कंटेनर बंद रहेगा चारों तरफ से तभी ना उसके अंदर गैस नहीं जाएगा, हाँ, ये तो ऑक्सीजन चला जाएगा, एयर चला जाएगा ना। ठीक है, अब जब ये सील्ड कंटेनर है, ठीक है, तो जब हीट करेंगे तो भी अभी तो वही बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये तो सील्ड कंटेनर है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा, ये तो सील्ड कंटेनर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। जब हम टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं तो ओपन सिस्टम के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसमें हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है ना,
टेस्ट ट्यूब से बाहर आ रहा है, तो हो गया ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लो, चाइना डिश लो, कुछ भी लो, बीकर लो, किसी भी चीज में हम हीट कर सकते हैं, उसको खुला है ना, उसको सील नहीं किए हैं, खुला है तो ओपन सिस्टम है, तो यहाँ पर मटेरियल का भी एक्सचेंज हो गया और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो गया, इसलिए वो ओपन सिस्टम हो गया। ये हो गया, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का जब कैल्सिनेशन करा रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं सील्ड कंटेनर में, एकदम पैक हो गया, एयर टाइट कंटेनर है, सील कर दिए उसको, कहीं से भी हवा अंदर बाहर कर नहीं सकता, और तब हीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन तो वही होगा, बनेगा सब्सटेंस वही, लेकिन उसी के अंदर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अंदर में प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो बाहर तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सील किया हुआ है, अंदर में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, आई बात समझ में? तो जब गैस बाहर नहीं आया तो मटेरियल का एक्सचेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ, हम हीट किए ना इसको, हीट एनर्जी तो गया अंदर, हीट एनर्जी गया इसको मिला तब ना ये डिकम्पोज किया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, हाँ, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी हम सप्लाई किए बाहर से, यानी जो सील्ड कंटेनर है वो आयरन का बना है या स्टील का बना है, तब ना हीट एनर्जी अंदर जाएगा, इंसुलेटिंग बॉडी का नहीं बना है, समझ गए ना, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहेगा जो सब्सटेंस उसी का बना हुआ है, कॉपर वेसल्स, आयरन वेसल्स, कुछ सिल्वर वेसल्स, कुछ भी बना सकते हैं तो उसके अंदर हीट किए हम लोग, ज़्यादातर तो हम लोग किसका बनाते हैं, आयरन का बनाते हैं, नहीं तो स्टील का बनाते हैं, ये दो काम बनाते हैं, कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर ये रहेगा, कंटेनर से कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि बंद सील किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा नहीं, तो मटेरियल एक्सचेंज हुआ, ये तो सॉलिड है तो अंदर में रहेगा, तो बाहर निकलेगा नहीं अपने जब तक हम निकालेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है बाहर, लेकिन सील कर दिए तो वो भी बाहर नहीं निकला, तो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया लेकिन मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हुआ, मटेरियल बाहर नहीं आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आया, उसी के अंदर रह गया, तो नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो गया, ये वाला एग्जांपल किसका हो गया, क्लोज्ड सिस्टम, समझ में आ गया, सेम रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ओपन सिस्टम में भी रिएक्शन करा सकते हैं, क्लोज सिस्टम में भी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, और तीसरा है आइसोलेटेड, ऐसा कंटेनर रखो ना तो हीट एनर्जी बाहर से जाए ना अंदर से बाहर आए, ठीक है, वो तो थर्मस फ्लास्क जैसा सिस्टम रहेगा वही होगा, ऐसा ही कोई सिस्टम रहेगा तभी ना होगा, आया बात समझ में, आइसोलेटेड का मतलब हो गया एकदम अलग थलग, कोई बातचीत नहीं, ठीक है, वो थर्मस फ्लास्क के जैसा रहेगा जिससे ना तो हीट एनर्जी अंदर से बाहर आ सकता है ना बाहर से अंदर जा सकता है, अंदर से कोई मटेरियल बाहर नहीं आ सकता है, बाहर से कोई मटेरियल अंदर नहीं जा सकता है, ऐसा तभी है जब पूरा का पूरा बॉडी जो है बनेगा इंसुलेटेड मटेरियल से, नॉन कंडक्टर से, तभी ना ऐसा संभव है, जो कि थर्मस फ्लास्क में होता है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ, ठीक है, तो हम लोग जो है बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, उसमें एक और टर्म आएगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, है ना, क्या लिखा, मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक, है ना, बड़ा सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा सिस्टम जिसमें बहुत सारा पार्टिकल्स हो, है ना, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें कि पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा हो, है ना, सो मैनी पार्टिकल्स जब रहेगा, और वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आइंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है, तो जब सो मैंने ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स को, मतलब एप्रिसिएबल क्वांटिटी में होना चाहिए, एक दो पार्टिकल में, एप्रिसिएबल, एप्रिसिएबल का मतलब हो कि इतना क्वांटिटी हो कि हमको आँख से दिखे, जिसको टच करके हम अनुभव कर सकें, है ना, आई बात समझ में, अब जैसे
वाटर का एक पार्टिकल हमको दिखता ही नहीं तो आप अनुभव क्या करेंगे? अब नमक का एक पार्टिकल गिरा हुआ है हमको ठीक ढंग से पता भी नहीं चलेगा, तो कम से कम एक चुटकी नमक होना चाहिए तब तो हम कुछ अनुभव कर पाएंगे। और नमक का एक पार्टिकल है नीचे गिरा है, हम क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ यानी अप्रिसिएबल क्वांटिटी में होना चाहिए। अप्रिसिएबल क्वांटिटी का मतलब हुआ कि आदमी खुद से उसको ऑब्जर्व कर सके आसानी से, उसको देख करके, उसको टच करके, स्मेल करके कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल सके, उसको बोलते हैं अप्रिसिएबल क्वांटिटी। समझ गए? हाँ, अब जैसे कोई पॉइजन खाएगा तो एक पार्टिकल खाएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अप्रिसिएबल क्वांटिटी में खाएगा तब ना कुछ होगा, एक्सेसिव खाएगा तो चला जाएगा। अप्रिसिएबल क्वांटिटी में खाएगा तो हॉस्पिटल जाएगा, है कि नहीं? एक पार्टिकल खाएगा तो है कि नहीं, कुछ पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम समझ गया कि ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा और वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? जब ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स जब एक साथ आता है तो कुछ न कुछ उसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब है कि हम नमक का एक पार्टिकल लेंगे तो पता ही चलेगा कि भारी है कि हल्का है। अब एक मुट्ठी ले लेंगे इसे, हाथ में जितना उठ जाए, है ना, हाथ में जितना आ जाए हम ले लेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं? हाँ, भारी है, अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई तो भारी है। अब एक पार्टिकल मेरे हाथ पे रख दो नमक का तो पता ही चलेगा वो हल्का है कि भारी है, उस वेट भी कुछ है उसका पता चलेगा नहीं ना? और जब एक मुट्ठी ऐसे उठा लिए तो उसमें ह्यूज नंबर में पार्टिकल्स आ गया तो उसका क्या हो गया? पहला तो मास हमको पता चल गया, है ना, नमक का साइड इफेक्ट भी पता चल गया कि ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं? कुछ साइड इफेक्ट रहेगा, स्किन में प्रॉब्लम होने लगेगा। और एक पार्टिकल रहेगा इस पर तो क्या होगा? कुछ पता चल गया, आई बात समझ ना? तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कब हुआ? जब ह्यूज क्वांटिटी में पार्टिकल एक जगह जमा होने के बाद जब वो एक अलग तरह का प्रॉपर्टी अपना सामने लाता है तब उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किससे एसोसिएटेड है? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें रहता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है ना? तो दो वर्ड है, एक हम लोग माइक्रो लिखे और दूसरा एक और होता है माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये वाला, ये। तो ये हम नहीं पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को नहीं पढ़ाता। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या हो गया? कैटायन, एनायन, एटम, सिंगल एटम, सिंगल कैटायन, सिंगल सिंगल आएगा जो हमको दिखता नहीं है, वो सब हुआ माइक्रोस्कोपिक। बैक्टीरिया, वायरस दिखता ही नहीं है, वो सब माइक्रोस्कोपिक हो गया। समझ गया ना? जैसे हम लोग रेडिएशन पढ़े, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े कि नहीं, वेव कैरेक्टर्स पढ़े, वो सब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आता है। और ये अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक, थर्मोडायनामिक्स को इस माइक्रो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? मैक्रो, जैसे हम लोग मैक्रो है बड़ा, लेकिन हमारा सेल तो माइक्रो है, तो हम सेल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, पूरा आदमी को स्टडी कर रहे हैं। एक सेल ले लो हमारा तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा मेरे बारे में, समझ में ही नहीं आएगा। पूरा आदमी को देखते हो तुम समझते हो वैसा है बताता है ना, वो वैसा है क्यों? पूरे आदमी को देख रहे हो ना, पूरा आदमी को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को देख रहे हो तो हम आसानी से समझ जा रहे हैं। ठीक है ना? आगे बात समझ में। तो हम लोग क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसको बोलेंगे? प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, मींस प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द सो मेनी पार्टिकल्स व्हेन गैदर्ड टुगेदर।
एग्रीगेटेड टुगेदर, जब बहुत सारा पार्टिकल एक जगह जमा होता है तो उसका एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी आता है ना, उस सब मिल करके एक प्रॉपर्टी है कि नहीं। जैसे सड़क जाम करना है तो एक दो आदमी जगह जाम होगा, और अगल बगल के गांव वाला सब पहुंच जाए है ना, तब ना होगा। एक आदमी जाएगा पुलिस डंडा चलेगा भागा भागा देगा। अब जाम करना है तो वहाँ बहुत आदमी चाहिए, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज हो गया ना, कलेक्टिव बिहेवियर हो गया ना, क्राउड का कलेक्टिव बिहेवियर हो गया जिसके चलते वो जाम हो गया, समझ गया ना। तो उस कलेक्टिव बिहेवियर को जब सो मेनी पार्टिकल्स रहता है, सारा पार्टिकल्स कुछ न कुछ बिहेवियर देगा अपना, वो सबके बिहेवियर को मिलाने के बाद जो एक कलेक्टिव बिहेवियर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एग्जांपल पहला क्या लिया है, मास। एक पार्टिकल लेंगे उसका कोई मास नहीं होगा, एक मुट्ठी ऐसे उठा लेंगे जरूर भारी लगेगा। उसी तरह से पानी का एक पार्टिकल लेंगे पता चलेगा कुछ नहीं, एक बोतल पानी ले लिए वॉल्यूम पता चल रहा है, एक लीटर है, दो लीटर है, तीन लीटर है, एक वाटर पार्टिकल का कितना वॉल्यूम होगा हमको समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन जब बहुत सारा पार्टिकल जमा हो गया तो बताते हैं भाई हाफ लीटर है, 250 ml है, 100 ml है, 50 ml है, बताते हैं ना। तो जब सो मेनी पार्टिकल जमा होता है तब ना, यानी वॉल्यूम क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। प्रेशर, थोड़ा सा पानी रहता है एक दो बूंद, कुछ प्रेशर नजर नहीं आता है। एक बोतल पानी है रख देंगे हाथ पर, प्रेशर नजर आएगा। एक बाल्टी पानी तुम्हारे हाथ पे रख देंगे, बाल्टी रख देंगे और प्रेशर होगा। एक ड्राम पानी ले लेंगे तो और प्रेशर हो जाएगा। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जा रहा है उसका कैरेक्टर भी बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर वही बात है, कली जैसे लोहा है, लोहा का बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा है ना, उसमें से और सबको गर्म कर दिए। अब एक छोटा सा दाना उठाएंगे लोहा का, तुम्हारे हाथ पे रख देंगे, कुछ होगा सर, कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब वही उसमें से उठाएंगे है ना, लेंगे कुछ उठाने वाला, ऐसे उठा के दे देंगे तुम्हारे शरीर पे बहुत सारा, इतना उठा के दे दिया तो क्या होगा, जल जाओगे। क्यों जले, टेम्परेचर का हमको पता चला जब बहुत सारा पार्टिकल तुम्हारे ऊपर दे दिए। अब गर्म पानी ही है, उसका एक बूंद उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, कुछ असर नहीं होगा। एक गिलास फेंक देंगे गर्म पानी को, क्या होगा, आएगा ना। नहीं, टेम्परेचर का एहसास कब हुआ, जब एक गिलास पानी फेंके, एक बूंद पानी फेंके, हमको कुछ पता भी नहीं चला। तो ये हुआ कि नहीं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कॉम्पोजिशन मतलब बनावट कैसा है, कौन कौन सा एटम से बना हुआ है। तो एक दो पार्टिकल रहता है पता नहीं चलता, बहुत सारा रहता था हम उसको आराम से रेशियो निकाल लेते हैं कि किस रेशियो में आपस में मिला है, किस रेशियो में आपस में कंबाइन किया। तो कंपोजिशन भी हो गया, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ा है ना, बहुत सारा लाइट का पैकेट आता है तब ना रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, प्रिज्म में निकालते हैं ना, लेंस में, लेंस में प्रिज्म में आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है लाइट बहुत आएगा तब ना, एक फोटोन आएगा तो कुछ पता चलेगा, बहुत सारा फोटोन आता है तब ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिपेंड करता है कितना लाइट है। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म कितना मोटा है, लेंस कितना मोटा है, कितना पतला है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारा पार्टिकल रहेगा तभी ना गोल होना चाहिए। सरफेस टेंशन में क्या होता है कि सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपना सबसे कम सरफेस एरिया क्रिएट करता है। तो जब वो स्फेरिकल होता है तो सबसे कम, तो लिक्विड जो है गोल बनना चाहता है, गैस जो है गोल बनना चाहता है, स्फेरिकल होना चाहता है ना, है तो उसमें एक दो पार्टिकल रहेगा तो क्या वो गोल बनेगा, कुछ नहीं। बहुत सारा पार्टिकल रहेगा तब ना वो खींच करके जो है एक गुल्ली की तरह बन सकता है। तो सरफेस टेंशन भी एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। विस्कोसिटी वही फिसलने वाला, ठीक है, एक बूंद तेल गिरा हुआ पैर रखोगे नहीं फिसलोगे, एक गिलास तेल गिरा देंगे वहां पर जाओगे पैर रखोगे फिसल जाओगे, एक बाल्टी तेल गिरा देंगे
तब तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। यानी विस्कोसिटी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, जितना ज्यादा उतना ज्यादा, है कि नहीं। उसके बाद डेंसिटी, एक बूंद है तो डेंसिटी क्या पता चलेगा, जब रहता है ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड तब हम डेंसिटी को पता करते हैं, कहाँ डेंसिटी कम है कि ज्यादा। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो कम रहता है तो डेंसिटी कुछ नहीं पता चलता है, जब ज्यादा पार्टिकल रहता है तो डेंसिटी का एहसास होने लगता है। समझ गया कि नहीं। तो ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।